आगे बढ़ेगी तो देर भी इट विल बी एक्सेसिबल टू देम आल्सो। इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी जगह, लेकिन जो बलूचिस्तान में और ये इस एमओयू में जो हमने एक जनरल एक अग्रीमेंट जो की है और साइनिंग है कि बलूचिस्तान के यूथ जो हैं, चाहे अनपढ़ हों या पढ़े लिखे, उनकी बाकायदा एक पैकेज है जिसमें उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, चाहे कराची शिपयार्ड में हम भेजें उन बच्चों को या हम उनको HIT जो हमारा हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला में है, या जो ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको भी हम इंशाल्लाह ताला अपग्रेड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड्स हमें ज़रूरत होंगी, चाहे कंस्ट्रक्शन के हवाले या इस शिपयार्ड को चलाने में, फ्रॉम जैसे मैंने कहा इलिटरेट चाहे हों ऑल द वे टू इंजीनियर्स, वो इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी बलूचिस्तान के बच्चों के एक हद तक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो होंगे। उसके अलावा नेचुरली हाईली एक्सपर्टीज जो हमें ज़रूरत हो और मौजूद ना हो तो फिर बाकी पाकिस्तान से भी आएंगे। सो देयर इज मच मोर टू इट, और मैं यहाँ आई जस्ट लीव इट हियर, और फिर कहूँगी कि ये एक तारीखी दिन है। आई थैंक CM जाम कमाल साहब फॉर ऑल हिज सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन, एंड ऑल्सो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरीके से उन्होंने एक विजन और पॉलिसी के साथ बलूचिस्तान को आगे बढ़ाने, उनके अवाम के लिए जो सहूलियात पैदा करने, यूथ के लिए जो रोज़गार पैदा करने के मौके, इंशाल्लाह ताला दिस विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स। उनके लिए एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत मेगा एक प्रोजेक्ट है, और आप सब के साथ इंशाल्लाह विल बी मूविंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो एक बाकी तारीख के दिन इस हवाले से है कि फेडरल गवर्नमेंट में मैडम जुबैदा जलाल साहब आज हमारे साथ बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, और हुकूमत ने बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ने मिलकर जो ये जॉइंट वेंचर ऑफ शिप यार्ड का जिसकी तफसील मैडम ने बताई है, इसमें जो काम स्टार्ट किया है, इसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट सतह पर कारोबारी सतह पे, ग्वादर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और ओवरऑल जो ग्लोबल मैरिटाइम जो हमारे रूट्स हैं उनके पाकिस्तान की प्रोमिनेंस को उजागर करने के हवाले से, ये बड़ा तारीखी प्रोजेक्ट है। थोड़ा वक्त इसमें ज़रूर हमें लगा, लेकिन चूंकि अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट था तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने पहले दिन से अपनी यही प्रायोरिटी बनाई है कि हुकूमत बलूचिस्तान अपना एसेट जो हमारी ज़मीन है हम उसको हर प्रोजेक्ट में इक्विटी बेस पे रखें, ताकि सरकार को आने वाले वक्तों में अगले 5, 10, 15, 20 साल में बलूचिस्तान को इन सारे प्रोजेक्ट से रेवेन्यू जब हासिल होना शुरू होगा तो वही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उसके रेवेन्यू एस्पेक्ट को भी बेहतर करेंगे। देखिए ग्वादर को हम बड़ा महदूद सोचते हैं और हम समझते हैं कि जी ग्वादर पोर्ट के हवाले से, लेकिन इस साहिल को अल्लाह ताला ने पोर्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ों से मालामाल किया है। अभी जैसे इंडिया और बांग्लादेश की बात आपने सुनी, जहाँ 20-20, 25-25 शिपयार्ड हैं, तो वो इसलिए हैं कि वहाँ कोस्ट है, अगर कोस्ट ना होता तो ये पहाड़ों पर ये शिपयार्ड नहीं बनते हैं। और हम जिस रूट पर बैठे हुए हैं, जहाँ से आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, गल्फ है, फिर अफ्रीका का है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक ऐसा डेस्टिनेशन बन सकता है इस आने वाले नए शिपयार्ड से, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े शिप लाइन्स ओवरऑलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, बाकी चीज़ों के हवाले से इस फैसिलिटी को यूज़ करें। और जिस तरह मैडम ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगी, सबसे पहले लोकल सतह पर जिन लोगों की ज़रूरत इस पूरे प्रोजेक्ट में होगी, फिर इसके साथ एसोसिएटेड जितनी सर्विसेज होंगी जो इस पूरी फैसिलिटी को सर्विस देंगी उस हवाले से, तो ये रोज़गार भी होगा, कारोबार भी होगा, और यहाँ की हमारी जितनी भी कोस्ट लाइन है और बलूचिस्तान के साउथ पार्ट में या बलूचिस्तान के पूरे सूबे के अंदर जो बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा लिया है, क्योंकि हम पंजाब और सिंध और KP की तरह अभी तक ज़रात में या बाकी इंडस्ट्री में बहुत आगे नहीं है। एक एक चीज़ इस तरह के प्रोजेक्ट के आने से यहाँ हज़ारों लोगों में जब इस बेरोज़गारी का खात्मा होगा, ये बलूचिस्तान की महरूमी, बलूचिस्तान के अंदर बेरोज़गारी और बलूचिस्तान की जो एक सोशो इकोनॉमिक जो
स्वास्थ्य से बेहतर करेगी। इसके हवाले से जब ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह जब अपनी पाइप टेक्निक को पहुँचेगा तो उससे हुकूमत बलूचिस्तान को फ़ायदा मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि हमारा विजन भी बलूचिस्तान के कोस्ट के हवाले से ही है कि ग्वादर कोर्ट अपने लिहाज से अपनी काम करें और इलाके को और पूरे बलूचिस्तान को उसका फ़ायदा मिले, पाकिस्तान को मिले। ये जो हमारा शिपयार्ड का प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ग्वादर के करीब है, ये अपने काम के आगाज़ की तरफ आगे आए, लोकल इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करें, टूरिज़्म में हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जब, और इसी तरह मरीन लाइफ में जेटीज़ हैं, फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब आप यकजा करके मेहनत करेंगे तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है वो बलूचिस्तान के सोशो इकोनॉमिक, बलूचिस्तान की बेरोज़गारी, बलूचिस्तान का रेवेन्यू, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक अपलिफ्ट ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कल्चर को बहुत फ़र्क देगा। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एमओयू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान के बीच में जो तय पाया है, इंशाल्लाह जल्द इस पर काम भी स्टार्ट होगा, और इसका जो असर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से भी है वो भी इस पर प्लान किया हुआ गया है कि एक इंडस्ट्री अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल सर्विसेज में, वो इलाके में और अपने नेबरहुड में किस तरह देगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज थी जो देहात को चाह रहे थे, हमने उनको बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है, वो वहीं रहेंगे ताकि हम उनको एक श्योरिटी भी दे रहे हैं कि हम किसी के अंदर रहते हुए आपकी इस सारी फैसिलिटीज़ को भी बेहतर करेंगे और आपकी जगहों को हटाया भी नहीं जाएगा। तो मैं समझूँगा इंशाल्लाह बाकी कामों के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान के कोस्ट के ऊपर, जिसको इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये बलूचिस्तान के ओवरऑल डेवलपमेंट में किस तरह फ़ायदा देगी और बलूचिस्तान के सूबे को फ़ायदा देगी और यहाँ पर मुलाजमतों में, बेरोज़गारी में और बाकी चीज़ों में किस तरह बेहतरी लाएगी। जाम साहब ने बहुत एक पर्टिनेंट इशू पे हाईलाइट किया जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें पहले दिन जब मेरी टीम माशाल्लाह आई ऑल्सो वांट टू थैंक द डिफेंस प्रोडक्शन की, क्योंकि जो दो साल से जिस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और सेक्रेटरी साहब भी हैं आज, एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और उस पर परसिस्टेंटली फॉलो अप करना फेडरल से उसको, जिस जो भी मैंने कहा, मतलब देयर वाज नॉट फॉर अ सिंगल डे या एक लफ्ज के उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता या ये फेडरेशन नहीं कर सकती। सो आई लाइक टू थैंक देम। लेकिन सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि उस ज़मीन पे कप्पड़ एक गांव है बलोच ग्वादर का, उस ज़मीन पे वो सारी आबादी है, उसको हमने फौरन जिस दिन ज़मीन देखा उसी दिन हमने ऐलान किया कि हम इस ज़मीन को डिफेंस प्रोडक्शन या ये आबादी जो है इसको हम अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करना उनके स्कूलिंग, उनके मतलब ऑल द वे टू हायर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर सैनिटेशन की जो भी ज़रूरियात होंगे उनको उठाया नहीं जाएगा, वहीं उसी एरिया में हम इस तरह उसकी मैनेजमेंट करेंगे कि वो रहें भी और उनकी ये सहूलियात जो उनके हक है वो उनको मिलेंगे इंशाल्लाह। में कुछ महकमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिसमें हेल्थ है और कुछ लोग गिरफ्तार हैं, और उन महकमों के इंचार्ज भी आप हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें महकमों के इंचार्ज तो अपनी मेरे जिले में तो पूरा सुबह भी आता है, चाहे मैं किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ या ना हूँ। देखिए हमारी गवर्नमेंट जब पहले दिन से आई थी हमें कहा था कि बदमानी किस हवाले से होगी, हम किसी की ना कोई प्रोटेक्शन करेंगे और ना ही हम किसी को स्पेस देंगे, बल्कि आप तो अगर हमारी कारकर्दगी इस हवाले से देखें कि नैब ने तो हालिया में आके मेरा ख्याल उन कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन सब चीज़ों पर तकरीबन पिछले कोई 6-8 महीने से खुद इनिशिएटिव हमें लिया है। नैब का एक जैसे फिशरी डिपार्टमेंट में एक इशू हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, लेकिन हम किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं करते। बाकी मौसमों में आपने माजी में देखा होगा कि जहाँ नैब किसी काम के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, किसी करप्शन या नॉर्मलिटी की जाती है तो वो गवर्नमेंट के इदारे को रोकने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हमने तो बाकायदा नैब के साथ बैठा की पहली हुकूमत है जिससे नैब के साथ एमओयू साइन किया, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और नैब ने एमओयू साइन किया है और एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे, तो ये निशानदेही कराती है कि
कि ये गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी भी चाहती है, ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी भी चाहती है। और आपने देखा होगा कि कल अलहमदिल्ला मेरे ख्याल मुझे नहीं पता कि बाकी सूबों ने किया है नहीं किया है, लेकिन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का जो पहला बिल है, एक्ट है, इसको हमने कल असेंबली से मंजूर कराया है, जो एक आम शहरी को ये इख्तियार देता है कि वो सरकार के बारे में मालूम हासिल करे, सरकार की चीज़ों के बारे में पूछे। तो देखिए ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस चलता रहना चाहिए, ताकि इन्हीं चीज़ों से फिर लोगों के अंदर एक सरकार का और इन चीज़ों के हवाले से एक खौफ भी पैदा होगा कि हमने अगर कोई ऐसा काम किया तो हमें सजा भी मिल सकती है, हमारे खिलाफ़ इंक्वायरियाँ भी होंगी, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। और ये वो स्टेप्स हैं जिनको हम बहुत प्रमोट भी करते हैं, इनको बिल्कुल हर लिहाज से छोटे लिहाज से होना चाहिए। हर बस्ती साहब जहाँ हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सलीम मुसा साहब मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में बे इंतहा लोगों को हमने सस्पेंड किया है, नौकरियाँ जिनकी अभी सस्पेंशन के मोड में हैं उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, और बहुत सारे शायद अपनी नौकरी साल भी घटे। ये प्रोसेसेस हम इंटरनल भी कर रहे हैं और नैब ऑफ एक्सटर्नल भी कर रहे हैं। सर आपके पास सॉरी मोबाइल कंपनी का नहीं, देखिए हम अलहमदिल्ला इंशाल्लाह कल बल्कि कल का या परसों हमारा भी फंक्शन है और हम भी उसका इंकाफ कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसका कोई तरीकेकार बनाया है कि बलूचिस्तान को पहले फेज में 10,000 वैक्सीन दिए जा रहे हैं, और उसकी क्राइटेरिया जो हमने यही बनाया है कि सबसे पहले वो लोग जो सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जो फ्रंट रनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो बाकायदा कोरोना वार्ड्स के अंदर और इस सारे पेंडेमिक में फ्रंट पे किरदार अदा कर रहे हैं, फर्स्ट उनका राइट भी बनता है और उनकी ज़रूरत भी बनती है, तो हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह हम सेकेंड फेज में उन चीज़ों को भी देखेंगे कि जिनसे पब्लिक एक बहुत बड़ी सहूलत हेल्थ के हवाले से हासिल करती है, वो क्राइटेरिया है, एंड वाइस वर्सा हिस्टोरियन ग्रेजुअली जिस तरह ये चीज़ें आती जाएंगी मज़ीद इंक्रीज होगा, हम इसका क्राइटेरिया और डिफाइन करेंगे कि ये पब्लिक लेवल पे किस तरह आस्ते आस्ते जाए। उसकी फिजिबिलिटी और फिर जैसे होता है स्टडीज हो जाएंगे, और ये इंटरनेशनल टेंडर होगा, मतलब दिस विल बी अ कंसोर्शियम और इंटरनेशनल टेंडर्स, इंटरनेशनल कंपनीज को हम इनवाइट करेंगे। सो ये जितना भी इसका सेटअप है, दिस विल वेरी मच टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंटल, वो समंदर के हवाले से सारा माहौलियात के जो इशूज हैं, प्लस इस तरह के जो इमरजेंसीज या इस तरह के हादसा जो गड्डानी में हुए हैं पहले काफ़ी हुए हैं, बट गड्डा ओवरऑल बल्कि शायद हमारी दखल एक पहली गवर्नमेंट होगी जिन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के KPIs भी डेवलप किए हैं, जो आगे इंशाल्लाह मैं आने वाले एक महीने के अंदर आपके साथ शेयर भी करूँगा कि वो क्या क्या टास्क, क्या क्या चीज़ें थी जो हर एक कमिश्नर से लेके, डिप्टी कमिश्नर से लेके एक सेक्रेटरी और एक महकमे की जिम्मेदारियाँ थी, उन्होंने कहाँ तक उसको पूरा किया और कहाँ तक उनके अंदर कमजोरी रही है। साथ साथ तो आपने बात की है, देखिए गवर्नमेंट के अंदर एक फंक्शनली जो है ये प्रोसेस होता है, और डेफिनेटली लोग उम्मीद करते हैं, और मैं इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट आपको और सोशल मीडिया को दूँगा कि हम सारे डिपार्टमेंट्स और सारे पार्लियामेंटेरियंस अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कोशिश करते हैं बहरहाल कि अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, और इसमें कुछ नीच भी है, बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे मिनिस्टर्स हैं, बहुत एक्टिव हैं, बड़ा अपना रोल एक्टिवली प्ले करते हैं, और बहुत शायद जिनकी कमजोरी होगी या जो दूसरे मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट्स के सूरत में जिनकी परफॉर्मेंस आपको कम नजर आएगी, ये हर जगह एक सिस्टम है और ये चलता है। इस तरह कोई रिशफल का कोई ऐसा कोई खास प्लान जिस तरह आप इसकी निशानदेही कर रहे हैं वो तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ये गवर्नमेंट के अंदर चीज़ों का चेंज होना, पोर्टफोलियोज का चेंज होना, ये एक सरकार का हिस्सा हमेशा से रहती है, और डेफिनेटली अगर वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो तो बहुत अच्छी बात है कि हम चीज़ों में तब्दीली उस वक्त लाएँ जो बहुत कारकर्दगी जिनकी अच्छी नहीं हो रही, ताकि लोगों में इंसेंटिव भी आए कि अच्छे परफॉर्मर्स को अच्छी जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है।
तो हालिया में ऐसा अप्लाई करते नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में इस सिस्टम वैसे चलता रहता है। भागनाड़ी को पानी देने के लिए क्या इकदाम किए हैं? भागनाड़ी पानी प्रोजेक्ट एक सेपरेट बिल्कुल सब्जेक्ट है, तो उस पर काम अभी भी हो रहा है और ये पिछले 2-3 सालों में इस पर फेस वाइज काम हुआ, लेकिन जब इसको इनिशिएट किया गया वो उस टाइम पे इसको अगर कंप्लीट कर लेते तो शायद आज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया, हमने उसको अबैंडन नहीं किया और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली इस साल वो प्रोजेक्ट भी हमारा कम्प्लीट। कच्ची किनार की आपने बात की, कच्ची किनार और पट फीडर एक्सटेंशन ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की पीएसडीपी का हिस्सा है और इनकी कम्प्लीशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं वो अपना काम कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट ने इस साथ जो इसके एक्सटेंशन का फेस टू का जो काम है उसको कम्प्लीशन की तरफ ले जाने का है उसकी तरफ हम ले जा रहे हैं। कच्ची किनार से पिछले साल भी आपने देखा होगा कि तकरीबन लगभग कोई 25 से 30 हज़ार एकड़ आबाद हुआ और अब उसकी जो एक्सटेंशन में हम जा रहे हैं फेस टू के अंदर वो भी एक इजाफा इसमें होगा और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसको तकरीबन 2-3 साल का अर्सा और लगेगा ताकि अपने फाइनल स्टेज में हो जाए। चलो ठीक है, आपके पास पहुँच गए और अभी तक आपके 10 से ज़्यादा है, लेकिन अभी थैंक यू सर।